सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेज दिया। मनोज पांडे से मुलाकात के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि वो सनातन के पक्षधर हैं। भगवान राम पर विवादित बयानों सहित कई मुद्दों को लेकर वो एसपी से नाराज हैं। दयाशंकर सिंह ने दावा किया कि वो एसपी में नहीं रहना चाहते। माननीय मनोज पांडे जी, जो सनातन धर्म के स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार जो विरोध कर रहे थे, ये पक्ष में बराबर बयान देते थे, और समाजवादी पार्टी के लोग राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। इसके लिए वो कहते हैं कि मैं बहुत जन्म से सनातनी हूं और इसका विरोध हो रहा है, इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी कोट करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर ओपी राजभर का बड़ा बयान, अखिलेश के इशारे पर एसपी विधायक एनडीए को वोट दे रहे हैं। 4 बजे के बाद काउंटिंग होगी तो पता चल जाएगा, बीजेपी को जरूरत से ज्यादा वोट मिले हैं। तो ये बड़ी जानकारी, ओपी राजभर जिन्होंने ये बड़ा बयान दिया है, अखिलेश के इशारे पर एसपी विधायक एनडीए को वोट दे रहे हैं। 4 बजे के बाद काउंटिंग होगी तो पता चल जाएगा, बीजेपी को जरूरत से ज्यादा वोट मिले हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनावों को लेकर यह बयान ओपी राजभर की तरफ से दिया गया है। अखिलेश यादव जी के ही इशारे पर समाजवादी पार्टी के लोग एनडीए के प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं, तो 4 बजे के बाद काउंटिंग होगी तो खुद ही रिजल्ट आ जाएगा। आपको क्या लगता है कितने विधायक टूटे होंगे सपा के? गिनती नहीं, लेकिन ओवर है, जीतने के जिसे ओवर नहीं होता है, यहाँ से इधर तक आ जाए। मनोज पांडे भी अब आपके साथ आ रहे हैं, सुना है। अरे केतना पांडे जी, आवत बहन की आपको कैसे पता कि भारतीय जनता पार्टी के तरात्मा के आवाज पे वोट किया है? वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। ये कौन कह रहा है आपसे? देखिए, कोई हिप नहीं होती इसमें। जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया इसमें। कैंडिडेट अच्छा लगा सर? अब ये वोट बताया थोड़ो जाता है, वहाँ ये गाइडलाइन में है, नियमावली में है, ना तो वोट दिखाया जाता है ना वोट बताया जाता है। लेकिन नहीं, केवल एजेंट के अलावा, व्यक्तिगत एजेंट के अलावा दूसरे किसी को वोट नहीं दिखाया जा सकता ना बताया जा सकता है। शिवपाल सिंह यादव जी को मैंने अपना वोट दिखाया है। शिवपाल सिंह यादव जी को वोट मैंने दिखाया है, वो बता देंगे मैंने किसको वोट दिया है। नहीं, हमें ये नहीं मालूम उनके नहीं, क्रॉस वोटिंग का अभी कैसे मालूम पड़ सकता है? जब तक पूरा मत पेटी खुलेगी तभी पता चलेगी। अगर किसी का वोट देख लोगे तो कैसे, वो तो इनवैलिड हो जाता है पूरी तरीके से। हमें नहीं मालूम, वो तो शाम को पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी सभी 8 से 8 सीटें जीतेगी। मैं पहले भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी 3री सीट हारेगी, ये मैं पहले भी कह रहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ। सपा जानबूझ करके 3री सीट के लिए प्रत्याशी खड़ा किया, जानते हुए कि हार जाएंगे, लेकिन यह जरूर उजागर हो गया कि समाजवादी पार्टी कुनबे में अंतर कलह का स्तर क्या है। और अगर देश और प्रदेश के विकास के लिए किसी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा प्रत्याशियों को वोट दिया होगा, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता के विरोध में विपक्ष की पार्टी है।